नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम हर्ष के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हर्ष ज्ञान और धर्म के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। आज हम हर्ष के शासन प्रबंधन के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का हर्ष ने अपना शासन प्रबंध स्थापित किया था, साम्राज्य में किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्थाएँ संचालित की जाती थी। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं केंद्रीय प्रशासन की, तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सम्राट हर्ष जो था वो प्रशासन की धुरी था, अर्थात प्रशासन उसी के चारों ओर या इर्द गिर्द घूमता था। हर्ष स्वयं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। उसने पूरे दिन को 3 भागों में बांट रखा था और 1 भाग वो प्रशासनिक कार्यों के लिए निश्चित रखता था। तो इस प्रकार से 1/3 जो भाग था दिन का वो प्रशासनिक कार्यों के लिए उसने निश्चित कर रखा था। हर्ष निरीक्षण यात्राएं भी करता था समय समय पर, और इन निरीक्षण यात्राओं के दौरान जहां कहीं भी वह रुकता था, ठहरता था, वहां पर प्रजा को यह अनुमति थी, प्रजागण आकर के उससे मिल सकते थे और अपनी समस्याएं बता सकते थे। हर्ष उन समस्याओं का निवारण करता था। इसी प्रकार से हर्ष जो था उसका जो प्रशासन है वो सिद्धांत रूप में हमें निरंकुश प्रशासन दिखाई देता है, परंतु व्यवहारिक रूप से यदि देखा जाए तो सभी को, प्रजागणों को अपने अपने क्षेत्रों में काफी स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इस प्रकार से हर्ष का जो शासन प्रबंध था वो यहाँ पर हर्ष के चारों ओर ही या उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्ष की सहायता के लिए, प्रशासन की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। तो यहाँ मंत्री परिषद की हम बात कर रहे हैं, उससे पूर्व यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि हर्ष का जो साम्राज्य था, संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों और भुक्तियों में विभाजित किया गया था। अर्थात भुक्ति यहाँ जिले से संबंधित है, प्रांत यहाँ राज्य को कह सकते हैं हम। तो साम्राज्य जो था वो प्रांतों में, प्रांतों को भुक्तियों में, और भुक्ति जो जिले होते थे वो ग्रामों में विभक्त थे। इस प्रकार से प्रशासनिक इकाइयां होती थी, और जो ग्राम की प्रशासनिक इकाई थी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, और जो ग्राम सभाओं और केंद्रीय शासन अर्थात साम्राज्य बीच जो समन्वय था वो काफी अच्छा था, पर्याप्त आपसी सहयोग था। तो एक तरह से देखा जाए तो साम्राज्य को प्रांतों में, प्रांतों को भुक्तियों में, और भुक्ति को ग्रामों में विभक्त किया गया था, और सभी के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो वहां का स्थानीय प्रशासन संभालते थे। आगे हम बात करें मंत्री परिषद की, तो देखिए मंत्री परिषद प्रशासनिक सहायता के लिए हर्ष की एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। ये जो मंत्री परिषद है ये राज सिंहासन रिक्त होने की स्थिति में अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जो हर्ष का बड़ा भाई था राज्यवर्धन, जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका जो प्रधानमंत्री था भंडी, जो एक तरह से हर्ष का ममेरा भाई भी था, उसने मंत्री परिषद की बैठक बुलाई और हर्ष को सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। तो इस प्रकार से जो मंत्री परिषद थी वो शासक चुनने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती थी, और इसके साथ साथ विदेश जो नीति थी उसके अंतर्गत भी मंत्री परिषद का महत्वपूर्ण योगदान होता था। आगे हम बात कर रहे हैं कि हर्ष के समय एक सचिवालय होता था, सेक्रेटरेट, जहां से प्रशासन के सभी जो कामकाज है वो किए जाते थे। अब ये सेक्रेटरेट इसलिए होता था कि जो भी हर्ष के मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री होते थे उन सबके यहाँ पर कार्यालय होते थे। अब मंत्रिपरिषद के कौन कौन से सदस्य होते थे, कौन कौन से विभागों के कौन कौन मंत्री होते थे, तो यहाँ देख सकते हैं कि अवंती जो था वो विदेश और युद्ध मंत्री होता था, जिसका कार्यालय यहाँ होता था सचिवालय के अंतर्गत। ये सचिवालय हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित किया था। सिंहनाद उसका सेनापति था, कुंतल घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था, अर्थात सेनापति तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अलग अलग सेना के जो अलग अलग भाग थे, जैसे घुड़सवार सेना, रथ सेना, हस्ती सेना और जो पैदल सेना, तो यहाँ पर ये जो कुंतल था
कुंतल घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था, यहाँ सेनापति नहीं मान सकते हम, केवल घुड़सवार सेना का प्रमुख। स्कंदगुप्त जो था वो हस्ती सेना यानी कि हाथियों की सेना का प्रमुख होता था। भंडी जो था वो प्रधान सचिव था, जो हर्ष का एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत सबसे निकटवर्ती मंत्री। और जो यहाँ पर कुछ उच्च प्रशासनिक सेवा के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया जाता था वो कुमारामात्य होते थे। कुमारामात्य से तात्पर्य यह है कि उच्च प्रशासनिक सेवाओं में केवल जो राज परिवार के जो सदस्य होते थे उन्हीं को नियुक्ति दी जाती थी, और उन्हीं में से फिर मंत्री सचिवालय के अधिकारी और जिलों के जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति उन्हीं में से की जाती थी। तो एक तरह से कुमारामात्य जो थे वो सर्वोच्च अधिकारी होते थे और उन्हीं में से आगे मंत्री और अन्य अधिकारी बनाए जाते थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो साम्राज्य की राजधानी थी वहां पर राजकीय संदेशवाहक भी होते थे। राजकीय संदेशवाहक का तात्पर्य है कि विभिन्न स्थानों से वो संदेश लाने ले जाने का कार्य करते थे साम्राज्य के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों से। तो यहाँ पर जो राजकीय संदेशवाहक होते थे उन्हें दीर्घ ध्वज कहा गया। यह हर्षचरित जो है बाणभट्ट की रचना, हर्षचरित में इन्हें दीर्घ ध्वज कहा गया है। और इसके साथ साथ साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था भी विद्यमान थी, तो गुप्तचर विभाग का जो सदस्य होता था उसे सर्वगत कहा जाता था। सर्वगत अर्थात सब कुछ जानने वाला, गुप्तचरी का कार्य करते थे अलग अलग स्थानों पर रहते हुए, और सम्राट तक जो वहाँ की सूचनाएं हैं वो साम्राज्य की विभिन्न प्रांतों की, विभिन्न गुप्तियों की जो सूचनाएं हैं वो सम्राट तक पहुंचाते थे। इस प्रकार से गुप्तचर होते थे जिन्हें सर्वगत कहा जाता था। हर्ष के शासन प्रबंधन में ये देखने को मिलता है कि अधिकांशतः जो अधिकारी कर्मचारी होते थे उन्हें नकद वेतन नहीं दिया जाता था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो हर्ष का शासन प्रबंध था वो जो शासन प्रणाली थी वो सामंती पद्धति पर आधारित थी। तात्पर्य यह है कि नगद वेतन के स्थान पर उन अधिकारियों कर्मचारियों को भूमि का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था, जिससे एक तरह से धीरे धीरे ये सामंतीय व्यवस्था इसमें विद्यमान दिखाई हमको देती है। धीरे धीरे बाद में वो बड़े सामंत बनते थे और सामंतीय व्यवस्था आगे विकसित होती है, क्योंकि हर्ष के पश्चात हमें जो उत्तर भारत में है वो सामंती व्यवस्था के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हर्ष की जो शासन प्रबंध की व्यवस्था थी या जो शासन व्यवस्था थी वो सामंती पद्धति पर आधारित थी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम शासन प्रबंधन के अंतर्गत सेना और इसके साथ साथ जो राजकोषीय नीति थी, किस प्रकार की थी, राजस्व के क्या क्या स्रोत थे, इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।